वेलकम टू टॉप 7 न्यूज ऑफ द डे, जिसमें टीवी का तड़का आपके लिए लेके आया है सेलिब्रिटीज और ड्रामा से जुड़ी 7 छोटी बड़ी खबरें। अगर आप रोजाना की 7 छोटी बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें टीवी का तड़का यूट्यूब चैनल। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। आज है 12 जुलाई। टॉप 7 ऑफ द डे में से पहली टॉप न्यूज, फेरी टेल फेम सहर खान ने शेयर किया एक स्टोरी पर नोट जिसमें उन्होंने लिखा है, गुड बाय थ्रेड्स, यू वर सपोज टू बी द सॉल्यूशन बट यू टर्न आउट टू बी द प्रॉब्लम, इट्स टाइम टू थ्रेड यू आउट ऑफ माई लाइफ एंड फाइंड सेम सेनेटी, सोडियोज एप डेट राइम्स विद हेडेक, सॉरी ट्विटर आई ब्रीफली एक्सपेरिमेंटेड बट थ्रेड्स इज जस्ट नॉट माई टाइप, बैक टू यू। जिसमें उन्होंने बताया है कि जो इंस्टाग्राम की तरफ से थ्रेड्स ऐप नहीं आई है, उनको लगा था कि वो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन बनेगी, लेकिन वैसा नहीं है, वो मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जिस पर उन्होंने कहा है कि वो उससे जा रही हैं और वो वापस ट्विटर पर आ रही हैं, जिस पर उनके ट्विटर वाले फैंस काफ़ी खुश हो रहे हैं और वहीं पर कह रहे हैं कुछ लोग कि अगर आपने ये ऐप छोड़नी थी तो इतना लंबा भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप छोड़ें और जाएँ, कोई आपका इतना वेट नहीं कर रहा। लेकिन उनके फैंस की इससे टोटली डिफरेंट ओपिनियन है। आप किस पर क्या ख्याल है, कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। टीवी का तड़का दूसरी टॉप न्यूज, फरहान सईद ने उर्वा की पोस्ट के नीचे कमेंट किया 100 के स्वीट हार्ट से, जिस पर एक फैन ने रिट्वीट कर कहा है, वो तो उर्वा है, जिस पर उन्होंने रिप्लाई कर कहा है, वो तो जान है। फरहान सईद ने अपनी वाइफ उर्वा के लिए ये शब्द कहे हैं और ऑडियंस को ये बेहद पसंद आ रहे हैं। दोनों ही का प्यार ऑडियंस को खूब पसंद है क्योंकि इनके रिश्ते में पहले दरार आ चुकी थी, लेकिन जब से वो वापस आए हैं फरहान के फैंस का जोश वापस आ चुका है उनके लिए। दिन की तीसरी बड़ी टॉप न्यूज, ड्रामा सीरियल तेरे बिन फेम मरियम जो कि हीरा समूह है, उन्होंने शेयर की है अपने इंस्टाग्राम पर एक मीम जो कि उन्हीं के जूते की है, किसी फैन ने बनाई है और ऊपर लिखा हुआ है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये मच्छरों से बचने के लिए नई हील्स आई हैं क्या मार्केट में, जिसको शेयर उन्होंने कर कहा है, वैसे ये तो सच है, मुझे मच्छर बहुत काटते हैं और ऑडियंस को उनकी ये हील काफी पसंद आ रही है और फैशन के साथ साथ मच्छरों से बचने का भी खूब अच्छा तरीका है। दिन पर छाने वाली चौथी टॉप न्यूज, चाइल्ड स्टार आइना आसिफ जो कि काफी पॉपुलर हो रही हैं बेबी बाजी ड्रामा में, वहीं पर उनका एक नए ड्रामे का भी टीजर आ गया है जिसमें वो काफी पहले खुश दिखाई देती हैं, एकदम उनकी जिंदगी दुखों में चली जाती है। ड्रामे का नाम है मायरी और ऑडियंस उनके इस ड्रामे का प्रोमो देखने के बाद से ही एक्साइटेड हो गई है उनको टीवी स्क्रीन पर देखने के लिए। आपको ये प्रोमो कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। टीवी का तड़का पांचवी बड़ी टॉप न्यूज, A+ पर जो एक शो लगता है जिसमें सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, उनकी होस्ट पर लोगों ने काफी निशाना तान लिया है कि आप इतने उल्टे पुलटे सवाल करती हैं, उनकी तो शामत आई ही हुई है। वहीं पर शो में नजर आई नताशा हुसैन, जिनसे क्वेश्चन किया गया, आप किस एक्टर को एक्टर नहीं समझती, मतलब कि किसी के दम पर वो इंडस्ट्री में आया है, जिस पर उन्होंने नाम लिया है शहरोज सब्जवारी का, जो है बहरोज सब्जवारी का बेटा। उन्होंने कहा, आई डोंट कंसिडर शहरोज सब्जवारी एन एक्टर, ही इज अ रिजल्ट ऑफ नेपोटिज्म, वो अपने बाप की वजह से इंडस्ट्री में आया है लेकिन उसका बाप बहुत अच्छा एक्टर है। इस पर काफी सारे एक्टर और लोग भड़क उठे हैं यही होस्ट के सवाल और वहीं पर इनके जवाब दोनों ही पर। आप किस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। टॉप 7 ऑफ द डे में से छठी टॉप न्यूज, फिरोज खान की एक्स वाइफ अलीजा सुल्तान के फैन ने हुमायमा मलिक को कमेंट कर कहा है कि माय नंस आर जस्ट द सेम एज हर, दे डोंट गिव स्पेस मैन, ओनली वुमन लिविंग अ फेल्ड मैरिड लाइफ बीट द मदर सिस्टर टेंड टू रिलाई ऑन देयर ब्रदर्स, जिस पर हुमायमा मलिक ने रिप्लाई कर कहा है, मैं नंद नहीं उसकी दोस्त थी और वो मेरी बहन है। उन्होंने कहा है कि जो उनकी भाभी थी, मतलब कि एक्स भाभी, वो उनकी दोस्त थी और वो उसकी बहन थी, मेरे भाई के बच्चों की माँ, सो प्लीज डोंट कंपेयर अस विद योर नंद एंड योर सेल्फ लूजर, मुझे अपनी नंद के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करो। जो जवाब उनका बाकी सब ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है कि चाहे उनके भाई की डाइवोर्स क्यों ना हो चुकी हो, वो अभी भी उसको दोस्त और बहन मानती है। सातवीं और आखिरी बड़ी टॉप न्यूज, ग्रीन एंटरटेनमेंट पर बहुत सारे नए ड्रामा आ रहे हैं, वहीं पर उनके एक नए ड्रामा की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है जिसका नाम है अखाड़ा, जिसमें फिरोज खान और सोनिया हसन नजर आएंगे। अखाड़ा के बीटीएस अक्सर फिरोज खान अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते रहते हैं, उनके फैंस जो उनके ऑडियंस हैं उनको खुदा और मोहब्बत के बाद टीवी पर देखने के लिए तरस गई हैं और वो बहुत जल्द ग्रीन एंटरटेनमेंट पर अपना नया ड्रामा लेकर आ रहे हैं। ये थी आज की 7 छोटी बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी का तड़का